गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो भाई, चूँकि ये एक फैशन चैनल है, एक मेकअप चैनल है जिसमें मैं आपको सिखाती हूँ बहुत सारी मेकअप ट्यूटोरियल। सो मेकअप करने से पहले जो है सबसे पहला स्टेप हमारा होता है वो होता है प्राइमर। प्राइमर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे मेकअप में, जिसे हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले प्राइमर होता क्या है और किस स्किन टोन पर कैसा प्राइमर यूज़ करना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन होगा नीचे, वीडियो के नीचे आप देख रहे हैं जो रेड बटन है, प्लीज़ उसको ग्रे कर दीजिए, और साइड में बेल आइकन होगा से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूँ सो आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन यूट्यूब वाले दे रहे टाइम पर। सो और आप मुझे डेली अपडेट्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, दैट इज तन्वर अपर्णा। वहाँ बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं, ऑफर्स से रिलेटेड, किसी ऐप से रिलेटेड, सभी चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज, छोटी छोटी स्टोरीज में इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। सो वहाँ फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। सो भाई, बिना किसी देरी के चलो ये स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, वरना आप कहेंगे कि बेफालतू में इतना ज़्यादा लंबा इंट्रो दे दिया। तो प्राइमर क्या होता है? प्राइमर जो है एक, आप समझ लीजिए, हमारी स्किन और जो आप मेकअप प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पर लगा रहे हैं उनके बीच में एक बैरियर होता है। लाइक जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उसके आपकी स्किन को हार्म ना हो, प्लस आपकी स्किन को एक स्मूथ कैनवस मिल जाए, आप उस पर जो भी मेकअप करें वो स्मूथली रन करे और लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। बेसिकली ये काम होता है प्राइमर का। बट अगर आप रॉन्ग प्राइमर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपका जो मेकअप है वो ग्रे पड़ जाता है, ब्लैक पड़ने लगता है, जो लोग कहते हैं कि हमारा मेकअप ग्रे पड़ जाता है। सो प्राइमर गलत यूज़ करना भी एक वजह हो सकती है जो आपका जो मेकअप है वो ग्रे पड़ रहा है, ब्लैक पड़ रहा है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो है प्राइमर इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आपके जो पोर्स होते हैं उनको क्लॉग ना करें, बंद ना करें। बट आप कुछ ऐसे अगर प्राइमर चूज़ कर लेते हैं जिनसे कि आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, सो जो आपका मेकअप है वो ब्लैक होने लगता है, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो सांस ही नहीं ले पा रही है। आप समझ रहे हैं ये चीज़? आपकी स्किन अगर सांस नहीं ले पाएगी तो कैसे आप जो मेकअप लगा रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होगा या फिर अच्छा लगेगा और शाइन देगा? शाइन भी नहीं आना एक वजह ये हो सकती है कि आपने गलत प्राइमर चूज़ किया हो। सो आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट द प्राइमर्स, ऑयली स्किन पर कौन सा लगाएं, आप ड्राई स्किन पर कौन सा लगाएं, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए क्या यूज़ करें। सो दिस इज़ द वीडियो ऑल अबाउट द प्राइमर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्राई स्किन के लिए प्राइमर। ड्राई स्किन के लिए प्राइमर यह मैं आपको सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले दिस इज एम्ब्रुलेस क्रीम। आप इसको एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज अ मल्टीपर्पज क्रीम जो ड्राई स्किन वालों के लिए, ये आपको स्किन के लिए बहुत अच्छा सा स्मूथ आपके फेस को बना दिया। ड्राई फ्लिकी स्किन के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, सो दिस इज अ गुड प्राइमर। एम्ब्रुलेस क्रीम है, प्राइस जो है सभी के मैं स्क्रीन पे मेंशन करती रहूँगी साथ के साथ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी प्रोडक्ट्स जो है वो नायका पर अवेलेबल है, आप जो है वहाँ से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो द फर्स्ट क्रीम इज एम्ब्रुलेस क्रीम, दिस इज फॉर ड्राई स्किन। ड्राई स्किन वाले एक और जो है मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, प्लस दिस इज़ अ प्राइमर, ये दोनों का ही काम करता है। दिस इज़ अवीनो स्मूथ सेंसिटिव एंड वेरी ड्राई स्किन क्रीम मॉइस्चराइजर है बेसिकली, सो मॉइस्चराइजिंग लोशन है। सो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं ड्राई स्किन पर, जो बहुत अच्छा रहता है, आपकी स्किन को एक स्मूथ कैनवस देता है, सारा दिन आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट, बेबी सॉफ्ट रहती है। सो मुझे बेसिकली बहुत पसंद है, आप मेकअप करने से पहले इसको अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी गुड मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर, दोनों ही काम करता है ये। सो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन फॉर ड्राई स्किन। ड्राई स्किन के लिए मैं आपको मैक की क्रीम भी, स्ट्रोबिंग क्रीम भी सजेस्ट करूंगी। जब भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो, आप देखें आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया है जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई फ्लेकी स्किन है, सो आप ये मॉइस्चराइजर में मिक्स करके, सॉरी मॉइस्चराइजर कह रही हूँ, आप इसको जो है अपने फाउंडेशन में मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है एक बहुत अच्छी शाइन देता है आपके फेस को, प्लस आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है बहुत अच्छी तरीके से। सो दिस इज़ अनदर ऑप्शन फॉर ड्राई स्किन गाइज। दिस इज़ द पैक पोर प्राइमर, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और सर्दियों में जैसे मेरी स्किन ऑयली है, थोड़ी सी ड्राई भी हो जाती है, सो ओपन पोर्स हैं, ओपन पोर्स वालों के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्राइमर, और
इजीली मार्केट में अवेलेबल है. पैक पॉवर प्राइमर इज माय फेवरेट, इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और दिस इज़ ऑलमोस्ट फिनिश और बहुत अच्छा प्राइमर है. सो दिस प्राइमर इज़ फॉर ड्राई स्किन एंड ओपन पोर्स ऑल्सो. लाइक आप लोग कहेंगे कि ओपन पोर्स हैं तो ऑयली स्किन होगी, बट आप इसको ड्राई स्किन पर भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक दिस इज़ वेरी गुड प्राइमर. द नेक्स्ट प्राइमर आई हैव इज दिस NYX स्टूडियो परफेक्ट फोटो लविंग प्राइमर. दिस इज ऑल्सो सो गुड प्राइमर जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ड्राई स्किन पर. बेसिकली ये आप ऑयली स्किन वालों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट ड्राई स्किन वालों के लिए मुझे ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है. सो ये प्राइमर जो है ड्राई स्किन वालों के लिए मीन्स बहुत अच्छा है. सो आप ये प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं. दिस ऑल्सो इज़ अवेलेबल ऑन नायका. आप नायका से ऑर्डर कर सकते हैं ये सभी प्राइमर्स जो हैं. ओके, ड्राई स्किन वालों की तो बात हो गई भाई, अब आते हैं ऑयली स्किन वालों पे, बिकॉज ऑयली स्किन वालों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपने प्राइमर्स चूज करने के लिए. तो चलिए बात करते हैं. यहाँ मेरे पास सबसे पहले है दिस इज लॉरियल बेस मैजिक प्राइमर. ये दिस इज़ वेरी गुड प्राइमर फॉर ऑयली स्किन गाइज. ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है और ड्राई ऑयली स्किन वालों के लिए तो मीन्स बहुत ही अच्छा है. ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन है. सो फर्स्ट माय रिकमेंडेशन इज दिस प्राइमर. आप ये लीजिए एंड दैट्स इट. आपका बहुत अच्छा मेकअप हो रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा बेसिकली. सो दिस इज फॉर ऑयली स्किन. ऑयली स्किन के लिए नेक्स्ट जो मैं यहाँ सजेस्ट कर रही हूँ दिस इज NYX पोर फिलर प्राइमर. बेसिकली ऑयली स्किन ज़्यादा उन्हीं को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिनके ओपन पोर्स होते हैं. तो आप ये समझ लीजिए कि ओपन पोर्स के लिए जो है वो ऑयली स्किन डेफिनेटली होगी. सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्राइमर फॉर ऑयली स्किन NYX पोर फिलर प्राइमर. जस्ट लाइक पैक पोर प्राइमर ही है ये, बट उससे थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा अच्छा है. आपको बहुत ही अच्छा स्मूथ कैनवास देता है फेस पे मेकअप के लिए. द नेक्स्ट प्राइमर फॉर ऑयली स्किन इज दिस स्मैश बॉक्स फोटो फिनिश फाउंडेशन प्राइमर. नाउ दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्राइमर और ये जो है नायका पर आपको ये छोटा सा अवेलेबल है. आई थिंक 1000 or 1200 इसकी प्राइस है. जो प्राइस है वो मैं आपको स्क्रीन पे मैंशन कर दूंगी. सो आप छोटा ले लीजिए, बट दिस इज़ वेरी गुड प्राइमर फॉर ऑयली स्किन. लाइक दिस इज़ ऑयल फ्री प्राइमर, नॉन ग्रीसी, और बहुत अच्छा प्राइमर है ये ऑयली स्किन वालों के लिए. सो या दिस इज़ also good for oily skin. Okay, भाई ड्राई स्किन की बात हो गई, ऑयली स्किन की बात हो गई, अब आते हैं कॉम्बिनेशन स्किन पे. कॉम्बिनेशन स्किन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा प्राइमर चूज करने में. सो हेयर आई हैव दिस NYX हनी ड्यूमी अप प्राइमर. दिस इज वेरी गुड प्राइमर फॉर कॉम्बिनेशन स्किन. लाइक इट इज ब्यूटिफुल प्राइमर और ये जो है आपको नायका पर अवेलेबल है. प्लस ऑयली स्किन वाले भी इसे लगा सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी इसे लगा सकते हैं. सो बेसिकली आपके मेकअप को जो है फाउंडेशन को बहुत स्मूथ बना देता है, बहुत ईजिली एप्लीकेशन होता है. सो मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है आपके मेकअप को. सो कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए ये बहुत अच्छा प्राइमर है, ये आप ले सकते हैं. और अब एक कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए एक ऐसा प्राइमर जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम क्या यूज़ करें क्या यूज़ करें. दिस इज़ रीजनेबल ऑल्सो और ये जो है हमारे इंडियन मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, इसलिए ये मुझे मोस्टली बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ सभी लोगों को, जो लोग ब्राइड्स के लिए भी पूछते हैं. वो चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो और नॉर्मल सा प्राइमर बता दीजिए. सो दिस वन इज़ अ गुड प्राइमर फॉर एवरी वन. कॉम्बिनेशन स्किन आप ऑयली स्किन पर लगाइए, आप इसको ड्राई स्किन पर लगाइए, कॉम्बिनेशन स्किन पर लगाइए. सो ये जो है ईजिली अवेलेबल है मार्केट में और बहुत अच्छा है ये प्राइमर. मतलब यूनिवर्सल प्राइमर है और कलर बार का आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा. सो माय रिकमेंडेशन फॉर कॉम्बिनेशन स्किन इज दिस कलर बार प्राइमर. इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझसे सीरम भी पूछे थे कि आप क्या सीरम अप्लाई कर सकते हैं हम मेकअप से पहले. सो दिस इज़ माय रिसेंट बाय जो कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही लिया है. दिस इज़ द मॉम्स को नेचुरल वीटा रिच फेस सीरम. लाइक इसमें विटामिन सी, B3, B5, विटामिन ई एंड हाइलोरोनिक एसिड है. सो ये मुझे बहुत पसंद आया है. बेसिकली आज भी मैंने जो है मेकअप करने से पहले यही लगाया, सिर्फ यही लगाया, प्राइमर लगाया ही नहीं है. मुझे ये अच्छा लगा और इसमें से जो है
मेकअप जो है काफ़ी लाइक बहुत अच्छा स्मूथ फिनिशिंग आ रही है इसे मेकअप की. सो मुझे ये अच्छा लगा. सो ये जो सीरम है आप यूज़ कर सकते हैं ड्राई स्किन पर और ऑयली स्किन पर भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन पर यूज़ कर सकते हैं. सो ये सीरम मुझे एक ऐसा लगा जो आप हर स्किन पर यूज़ कर सकते हैं, मेकअप से पहले लगा सकते हैं. आप इसके बाद प्राइमर भी ज़रूर लगाइएगा. मैंने नहीं लगाया जस्ट टू सी, मैं इसका रिजल्ट देखना चाहती थी और मैं ये देखना चाहती हूँ कि पूरे दिन जो है कितना लॉन्ग लास्टिंग करता है मेकअप को. सो मैंने इसलिए ये सिर्फ ये यूज़ किया. लेकिन आप अगर कोई सीरम भी यूज़ करें, सीरम यूज़ करने का मतलब है आपको कि आप सीरम लगाने के बाद उस पर प्राइमर भी लगाइए डेफिनेटली, और मॉइस्चराइजर लगाइए उस पर. आप सबसे पहले मेकअप से पहले मेकअप करने से पहले सीरम लगाइए, देन उस पर मॉइस्चराइजर लगाइए, देन उस पर प्राइमर लगाइए. ये जो है एक राइट वे है आपका मेकअप स्टार्ट करने का. बट मैंने जस्ट टेस्टिंग के लिए लिया है. तो ये सीरम भी आप यूज़ कर सकते हैं बिफोर मेकअप. लाइक स्किन को थोड़ा टाइटनेस देता है और स्मूथ बनाता है स्किन को बहुत ज़्यादा. सो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. प्लस अगर आप इसको स्किन पे लगा रहे हैं सो आई मीन इट इज़ सेविंग योर स्किन, यानी आपकी स्किन को बचा रहा है ये. सो ये सीरम जो है आप यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा और कौन सा सीरम यूज़ कर सकते हैं, सीरम के लिए मैं आपके लिए एक अलग से डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगी. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. आई होप ये वीडियो जो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो यार प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना जाने से पहले. सजेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है गाइज, वो ज़रूर देते रहिएगा कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नई वीडियो बनानी चाहिए. तो देखते रहिए मेरी वीडियोज़, लाइक शेयर करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, सी यू.